जब पत्थर लगने से टूट गई थी इंदिरा गांधी की नाक। 2019 लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। बीजेपी कांग्रेस से लेकर सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस चुनावी माहौल के बीच आज तक इन आपको कई दिलचस्प राजनीतिक किस्सों से रूबरू कराएगा। आज किसान नाक टूटने के बाद बैटमैन बनी इंदिरा गांधी का। वक्त था 1967 का। इंदिरा गांधी चुनाव प्रचार के लिए ओडिशा गई हुई थी। प्रधानमंत्री बने हुए उन्हें एक ही साल हुआ था। इस वजह से तमाम नेता यही सोच रहे थे कि क्या इंदिरा अपना जादू दिखा पाएंगी भी या नहीं। लेकिन ओडिशा की रैली में एक ऐसा वाक्य हुआ जिसने देश को इंदिरा की ताकत दिखाई। दरअसल 1967 में ओडिशा स्वतंत्र पार्टी का गढ़ हुआ करता था। यहाँ जब इंदिरा चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए मंच पर आई तो वहाँ मौजूद भीड़ ने उन पर पथराव कर दिया। स्थानीय नेताओं ने इंदिरा को भाषण खत्म करने के लिए कहा, इसके बावजूद वो बिना डरे भाषण देती रहीं। इस बीच भीड़ से एक पत्थर उनकी नाक पर आ लगा। इंदिरा को नाक पर चोट लगी और खून बहने लगा। फिर भी वो नहीं रुकी। उन्होंने दोनों हाथों से बहते खून को पोंछा और भाषण जारी रखा। बताया जाता है कि इंदिरा गांधी के नाक की हड्डी पत्थर लगने के बाद टूट गई थी। उन्हें प्लास्टर लगा था। इस घटना के बाद इंदिरा ने नाक पर प्लास्टर लगाए हुए ही देश भर में चुनाव प्रचार किया। एक बार मजाक में उन्होंने यह कहा था कि उनकी शक्ल बिल्कुल बैटमैन की तरह हो गई है।